सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अक्सर आई वाली वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। साले हॉर्न टाइम में डाल देंगे अभी। पापा पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? तो पिछली बार हमने एक एंकिलो टेम कर लिया था और अपने इंडस्ट्रियल फोर्ज के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। वैसे इस इंडस्ट्रियल फोर्ज के लिए अब मैं बस चार चीजें चाहिए, जो कि है क्रिस्टल, मेटल, ऑयल और पॉलीमर। पॉलीमर तो भाई हम बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपने एंकिलो के साथ गया था उस पहाड़ पे वापस। भाई ज्यादा टाइम लगा नहीं और दुनिया भर का ऑब्सीडियन भी मिल गया। ऐसे मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि हमारा सीमेंटिंग पेस्ट वैसे तो इनफ था, बट अब इनफ नहीं होने वाला, क्योंकि हम इसे यूज़ कर रहे हैं पॉलीमर बनाने में। तो यह मुझे लगता है मुझे दोबारा कलेक्ट करना पड़ेगा भाई सीमेंटिंग पेस्ट। वेल कोई बात नहीं यार, चलता है। वैसे हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें से ऑयल एक है। तो ऑयल मुझे पता है कहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे हम कोल्ड जो रीजन है वहाँ पे भी जाके ऑयल इकट्ठा कर सकते हैं उन पत्थरों से, बट वहाँ जाने के लिए सूट नहीं है भाई। वैसे ये जो राइट साइड पे पहाड़ है उसके दूसरे साइड पे ही हमें ऑयल मिल जाएगी। तो चलते हैं भाई सीधा और कलेक्ट करते हैं थोड़ा ऑयल। ओके भाई, हम आ चुके हैं इस साइड। और वैसे मेरे पीछे भी एक और ऑयल नोड है, बट वहाँ पे भाई दुनिया भर के वो जेलीफिश वगैरह हैं, तो भाई शॉक मार देंगे वो। तो वहाँ पे मैं जा नहीं रहा, यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। बस की आँख, चार चार शार्क है, कोई बात नहीं भाई। सरप्राइज मदरफकर। अरे अल्फा मेगला डॉन है तेरी, ऐसे की तैसी। कोई अल्फा वल्फा नहीं भाई, यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा है। अबे चल, मरता क्यों नहीं तू? ओके, इसका काम तो तमाम हो गया भाई। और कोई है शार्क? और तेरी नहीं है, डॉल्फिन है। ओके, शार्क है भाई, और कोई नहीं, दिख तो नहीं रहा। ओके भाई, ऊपर चलते हैं, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मतलब रिफिल कर लेते हैं। ओ भाई क्या नज़ारा है काफ़ी सही है भाई। वापस नीचे चलते हैं और इकट्ठा करते हैं थोड़ा और ऑयल। अबे ये शार्क जिंदा है भाई, बैस क्या, कहाँ से आ गया? अबे थोड़ी देर पहले तो नहीं था ये, स्पॉन हो गया क्या अभी? चलो कोई बात नहीं, इसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। ओके, अरे मेंटा तेरी ऐसी की तैसी। ओके, एक और मेंटा भी घूम रहा है, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटा भाई वैसे तो अभी अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस पर बैठा हूँ सार्कों पे। अगर मतलब उतर जाऊँगा तो शायद अटैक करने लगेगा, तो उसकी भी ऐसी तैसी करनी पड़ेगी भाई। कहाँ गया वैसे, दिख नहीं रहा वो क्या है। अबे एक और शार्क है यार तेरी, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? नीचे के तुम्हारी फैक्ट्री है, देखा मार के भाग रहा है तेरी ऐसी तैसी। रुक, अबे यार ऑक्सीजन भी तो डिप्लीट हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी। मुझे यार वो ना डाइविंग सूट बना लेना चाहिए था। मेंटा तेरी ऐसी की तैसी किए बिना नहीं जाऊँगा। ओके चलो भाई ऊपर। ओके एक और शार्क है, उसको ठिकाने लगा देते हैं भाई, ऑक्सीजन पूरा हो गया। लेट्स गो भाई, नीचे वापस चलते हैं। अबे नहीं, ये डॉल्फिन है मारा हुआ, ये भाई बार बार कन्फ्यूज कर रहा है मेरे को। ओके भाई, शार्क तेरी ऐसी की तैसी, काम खत्म भाई। ओके, मैंने वैसे इसका हार्वेस्टिंग ऑफ कर रखा है सार्को का, क्योंकि अगर यू नो हार्वेस्टिंग ऑन रहता तो भाई दुनिया भर की मछली इकट्ठा कर लेता, और भाई वेट ज़्यादा होने की वजह से हिल नहीं पाता ये। तो यार इनसे हम ऑयल इकट्ठा कर सकते हैं भाई, देख रहे हो दुनिया भर की ऑयल मिल रही है। आई थिंक ऑयल इकट्ठा करने के लिए मेटल पिक ही सबसे बेटर है, आई डोंट नो भाई। चलो जो भी है, इससे हमें दुनिया भर का ऑयल मिल जाएगा भाई, और ऑक्सीजन लेते रहो भाई, भूलना नहीं है। ओके भाई, हम आ चुके हैं अपने बेस पे वापस दुनिया भर के ऑयल के साथ। और पॉलीमर भाई मैं दुनिया भर के बना के गया था यार, ये बस एक ही स्टैक बना है। मतलब ये अगर हम ऑयल भी करते हैं ना, तो ये भाई एक बार में एक ही स्टैक ही बनाता है, तो मुझे इसे बार बार करना था। ओके 300-400 कुछ तो चाहिए हमें। ओके भाई, अब हमारे पास ऑयल है तो ऑयल को डाल देते हैं इसमें। और ऑयल जाने के बाद हमारे पास कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब यार सब लाल हो गई वापस ऑयल को छोड़ के। यार सही है भाई, हमें अब सीमेंटिंग पेस्ट भी दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा। क्रिस्टल और मेटल की तो चिंता है नहीं भाई, मेटल स्मेल्ट हो रहा है तो फोर्ज में। और एक सेकंड, हम ये बना सकते हैं क्या डाइविंग सूट? अरे फाइबर चाहिए बस। अरे भाई साहब बना सकते हैं भाई, वैसे इसमें पॉलीमर खर्च होगा। बोले कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है तो हम बना सकते हैं। इसको एक बना लेते हैं, एक मास्क जिससे कि हम क्लियर देख सके पानी के अंदर, और एक सूट भी जल्दी बना लूँगा, बट इंडस्ट्रियल फोर्ज बनाने के बाद। ओके भाई, हम वापस आ चुके हैं थोड़ा और ऑयल इकट्ठा करने के लिए। क्यों होगी, इंडस्ट्रियल फोर्ज को चलाने के लिए हमें चाहिए गैसोलीन और गैस। भैंस की ये कौन है, ये पहले तो नहीं था भाई। भाई कौन है ये, मोजेसोरस तो नहीं है? नहीं नहीं, ये मोजेसोरस नहीं है। ओके, अब ये क्या है इसकी, ये फ्रॉक सी दिख रही है अरे मेंटा है दुनिया भर के, बैसिलोसोरस। ओके वेल, इसको हम टेम तो कर सकते हैं, ये वैसे पैसिव होते हैं। बस ये मेंटा जो घूम रहे हैं इसके आसपास, इनको थोड़ा ठिकाना लगाना पड़ता है, और ये हम इनको आसानी से टेम कर सकते हैं। और नीचे भी है भाई। ओके, अबे ये तो वही डोरेमोन का सीख टीचर लग रहा है
एक सेकंड इसके पास चल के देखते हैं भाई। अरे नहीं ऑक्सीजन, एक सेकंड ऊपर चल भाई। हेलो, तू फ्रेंडली है? नहीं है भाई, फ्रेंडली नहीं है भैंस, क्या अटैक कर रहा है तेरी ऐसी तैसी मर। ओके भाई, प्लेसोसोरस या ऐसा कुछ नाम है इसका, चलो जो भी है, हमें अभी इससे पंगे नहीं लेने भाई। ओके, हम आ चुके हैं रेडवुड के पास सीमेंटिंग पेस्ट इकट्ठा करने के लिए। चुप हो जा बहन की आंख, चुप, समझ गया यार, चुप हो जा यार। इसको बंद कैसे करते हैं? वेल, ये ज़्यादा हाई लेवल का है नहीं तो इसको मतलब बचाने का कोई रीज़न है नहीं मेरे पास। ओके, गया। आसपास कोई है? नहीं है, कोई अटैक कर रहा है? वैसे म्यूजिक तो बज नहीं रहा यहाँ पे। ओके, टैप पर जा रहा है भाई। कितने लेवल का है? इसको टेम कर सकते हैं वैसे शायद? नहीं भाई, इतने हाई लेवल का नहीं है, जान दो। ओके, यहाँ पे कोई है? वैसे कोई और कैस्ट्रॉइड तो दिख नहीं रहा। क्यों भाई, यहाँ पे तो होने चाहिए यार, ये मतलब कॉमन लोकेशन है, यहाँ पे स्पॉन होने चाहिए। बट वेल, हमें दो दो वो मिल गए, डैम मिल गए, तो इससे हमें दुनिया भर की सीमेंटिंग पेस्ट मिल जाएगी भाई। ये देखो, देख रहे हो भाई, यही तो चाहिए, सीमेंटिंग पेस्ट उठा देते हैं भाई। और वैसे वुड की तो ज़रूरत है नहीं, और ये भी उठा लेते हैं, मशरूम और लकड़ी वगैरह उठाएंगे नहीं क्योंकि भाई वेट ज़्यादा हो जाएगा तो भाई दिक्कत है फिर। कैस्ट्रॉइड यहाँ पे है क्यों नहीं भाई? यहाँ पे तो होनी चाहिए। वैसे उस साइड एक और है। अरे वो भालू है क्या? अरे भालू है भाई, आगे संभल के। ओके, निकालो निकालो भाई, दुनिया भर के सीमेंटिंग पेस्ट। ओके नाइस, यही तो चाहिए था भाई। ओके भाई, चलते हैं वापस हमने ट्रेनाडॉन पे, और आई गेस इसका वेट ज़्यादा हुआ नहीं है। ओके, उड़ सकता है। ऐसे काफ़ी ऑड है यार ये, शायद यहाँ पे कैस्ट्रॉइड ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि यार भाई भालू वालू आ गए। बस चलो जो भी हो, ये सब तोड़ लेते हैं भाई, क्योंकि अगर ये रहेगा तो वो भाई मतलब ज़्यादा जल्दी डैम बनाएंगे नहीं। ओके, वहाँ पे वैसे भालू है, मैं एक बार लेवल देख लेता हूँ उसका, कितने लेवल का वो भाई? 53। ओके, इसको टेम करते तो बहुत अच्छा होता, बट इसको टेम करने के लिए अभी मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास यार, बाद में आएंगे देखेंगे। वैसे अगर ये लोकेशन जानना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का एरो दिख रहा है वहाँ पे हूँ मैं। और ये देखो भाई, ये आ गया एक और कैस्ट्रॉइड कहाँ पे था पता नहीं। ओके भाई, हम सीमेंटिंग पेस्ट लेकर आ चुके हैं, अब इसे डाल देते हैं फैब्रिकेटर में। इसे भी डाल दो भाई, ये बाहर रह के क्या ही करेगा। ओके, अब बन सकता है भाई? नहीं बन सकता। ओके, तो हमें और सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए, वैसे एक्चुअली थोड़ा ही चाहिए, कुछ 16-17 के आसपास, तो हम बना सकते हैं भाई। चिटिन ले लो भाई, दुनिया भर के चिटिन काइटिन भरे पड़े हैं यहाँ पे, दुनिया भर के बग्स को मारा है मैंने। ओ, सीमेंटिंग पेस्ट दिए। ओके, ले लो भाई। अब हम चलते हैं अपने उस मोटर एंड पिस्टल के पास, तो बना लेते हैं सीमेंटिंग पेस्ट। वैसे अगर केमिस्ट्री बेंच बना लेते तो काफ़ी सही होता यार, बोले वो भी बना लेंगे यार, दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें डालना है चिटिन काइटिन और पत्थर, जिससे कि हमें मिल जाएगा सीमेंटिंग पेस्ट। ओके, सीमेंटिंग पेस्ट बन चुका है भाई, सीमेंटिंग पेस्ट को डालते हैं वापस फैब्रिकेटर में। अब हमारे पास इनफ सीमेंटिंग पेस्ट है, तो क्रिस्टल वगैरह मैंने अर्जेंटिवस की इन्वेंट्री में है तो वहाँ से बस ला के डालनी है मेरे को। ओके, क्रिस्टल गोज इन और बाकी रहता है मेटल। मेटल तो भाई स्मेल्ट हो रहा है अभी भी, क्या कर सकते हैं, स्मेल्ट होने का वेट करना पड़ेगा भाई। चलो देख लेते हैं भाई कितना हुआ। ओके, अभी भी काफ़ी मेटल बचा है। ओके, मेटल स्मेल्ट हो चुका है, हमने इसे फैब्रिकेटर में डाल दिया है और इंडस्ट्रियल फोर जब बन रहा है हमारे फैब्रिकेटर में, और ये बनकर तैयार, इसे ले लिया जाए अपनी इन्वेंट्री में। कहाँ गया भाई? ओके, और अब हम इसे प्लेस करने वाले हैं अपने नए घर में, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं भाई, काफ़ी ऊँचा है मतलब जो इंडस्ट्रियल फोर है तो। या वैसे ये जगह तो काफ़ी सही होनी चाहिए, मतलब हाइट वाइज भी और साइज़ वाइज भी। ओके, यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मैं जो दूसरा हाफ एरिया है वहाँ पे मैं टेक फैब्रिकेटर लगाने की सोच रहा हूँ। चलो, लोकेशन तो सही है, बस इसके लिए अब हम गैसोलीन ले आते हैं और थोड़े बहुत मेटल ले आते हैं। दोनों चीज़ें डाल दी हैं हमने इंडस्ट्रियल फोर्ज में, और देख रहे भाई गर्मी लग रही है भाई इसके आसपास। हो भाई साहब, मतलब कितना ज़्यादा गर्म है ये। अरे भाई भाई, इसके पास जाऊँगा तो वापस गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। वेल, इसमें हमने डाल दी हैं चीज़ें अब तक, तो आई गेस थोड़े बहुत स्मेल्ट हो जाने चाहिए थे। अरे निकालो भाई इनको, सूट वूट, गर्मी लग रही है। अरे भाई साहब, देख रहे हो, ऐसे ही चाहिए हमको स्पीड, ताकि हम यू नो जल्दी जल्दी काम कर सकें। तो सही है भाई, अब हम इसमें जितना भी मेटल है हमारे पास सब ला के डाल देते हैं।
और ऑयल की तो कमी है नहीं जिससे कि हम गैसोलीन मतलब जितना चाहे उतना बना सकते हैं। सो या हमने फाइनली बना लिया है इंडस्ट्रियल फोर्ज, जिसपे कि हम जल्दी जल्दी मेटल्स मेट कर पाएंगे और अपना ये मेटल बेस जल्दी से बिल्ड कर पाएंगे। वैसे मुझे लगा था कि इतने हाइट में इंडस्ट्रियल फोर्ज फिट हो जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि अब मुझे ज़्यादा ऊंचा करना पड़ेगा अपने बिल्ड को। सो या आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में हम बनाएंगे अपना मेटल बेस। तब तक के लिए गुड बाय।